दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री जनधन योजना में अगर आपका जीरो खाता है तो आपको मिलेंगी ये 5 योजनाएं बिल्कुल फ्री, जो लॉकडाउन की वजह से चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जीरो खाता है तो ही 5 योजनाओं का लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री ने चलाई है। तो दोस्तों ये कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ मिलेगा सिर्फ जनधन खाते धारकों को, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। और दोस्तों नीचे आकर आपको कमेंट में लिख देना है आपको इन 5 योजनाओं में से किसी भी योजनाओं का लाभ मिला है अभी तक या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, केंद्र सरकार के यानी राज्य सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। जी दोस्तों, संक्रमण रोकने के लिए यानी लॉकडाउन संबंधी घोषणाओं में दिहाड़ी मजदूर श्रमिकों की रोजी रोटी पर संकट को मद्देनजर देखते हुए केंद्र राज्य सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि सभी मजदूरों को 1,000 रुपये उनके सीधे बैंक खाते में 3 महीने तक देने की घोषणा की है। जी हां दोस्तों, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देने से संबंधित कार्रवाई के लिए श्रम विभाग और अन्य श्रेणी के दिहाड़ी मजदूरों को नगद भुगतान देने के लिए स्वराज विभाग को जिम्मेदारी दी है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री की घोषणाओं में यानी कन्यावान को देखते हुए स्वराज विभाग को नोडल विभाग बना दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमण से रोगी रोटी के संकट को प्रभावित दिहाड़ी मजदूर व श्रमिकों को मदद के लिए 1,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दे दिए हैं। जी दोस्तों, सभी मजदूरों को योगी सरकार ने 1,000 रुपये 3 महीने तक दिए जाएंगे। जी दोस्तों, और 1,000 रुपये अभी दे दिए हैं अप्रैल में। जी दोस्तों, नंबर दो यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बहुत बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली में जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं सभी को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है दिल्ली सरकार ने। जी दोस्तों, दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस वक्त मजदूरों को रोजी रोटी की चल रही है, सभी दिहाड़ी मजदूरों निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोमवार को दिल्ली में लॉकडाउन किया गया और कर्फ्यू जैसी स्थिति, केजरीवाल ने कहा है मैं समझता हूं कि आप सभी को बहुत तकलीफ हो रही है, हम आपको तकलीफ दूर करने के लिए 1,000 यानी 5,000 रुपए सभी मजदूरों को दिए जाएंगे, सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे अगर जीरो खाता है तो। दोस्तों वहीं पर एक और बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, अब सभी को राशन फ्री में मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपके पास राशन कार्ड हो या ना हो आपको राशन फ्री में मिलेगा। जानलेवा कोरोना वायरस के कारण दूसरे देश में यानी पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है जिस वजह से लोग घरों में रहने से मजबूर हैं और इसकी सबसे बड़ी कीमत मजदूर और गरीब लोगों को चुकाना पड़ रही है। इसकी हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोगों को मदद के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। योजना है जी, अगर आपका जीरो खाता है तो आपको भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, और सभी को राशन फ्री में दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि जिन्हें उन्हें कहा है कि प्रदेश में कोई भी गरीब भूख का शिकार ना हो, इसलिए जिस भी गरीब व्यक्ति के पास राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तो भी उसे सरकारी योजना के अंतर्गत राशन मुहैया कराया जाएगा। लॉकडाउन के बाद सभी योगी सरकार ने गरीब लोगों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिए हैं। जी दोस्तों, सभी को योगी सरकार ने 1,000 रुपए और केजरीवाल सरकार ने अपने प्रदेश में 5,000 रुपए देने की ऐलान किया। जी हां दोस्तों, नंबर 4 उज्ज्वला योजना यानी नंबर 4 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जितने भी गैस कनेक्शन फ्री में हुए हैं उन्हें सभी को 3 महीने तक फ्री में सिलेंडर मिलेंगे। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने जब भारत में लॉकडाउन करने की घोषणा की थी उस कुछ दिन बाद गरीब लोगों को लिए राहत की घोषणा की गई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के में शामिल है। अगर आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लाभ लेना चाहते हैं और आपको सिलेंडर की रकम पाने से अधिक इंतजार करने की ज़रूरत अब नहीं है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार 3-4 अप्रैल से सभी के खातों में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। जी दोस्तों, इसके बाद लाभार्थी अपना एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, दूसरा सिलेंडर 15 दिनों के बाद ही बुक करें। सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश में कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण की वजह से लॉकडाउन में लोगों को जरूरत के हिसाब से बुकिंग की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि दैनिक
बुकिंग करने से बचें। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने कहा है कि जब रसोई गैस बुकिंग 15 दिन के अंतर पर कराई जा सकेगी तो इंडियन ऑयल में अध्यक्ष संजीव सिंह ने ये अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया और देश में पूरा संभाला है। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश को उन्हें गैस फ्री में देने की बात की है। दोस्तों नंबर 5, प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं को मिलेंगे 500 रुपये 3 महीने तक। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया, जनधन योजना के तहत खातेधारकों को 500 रुपये दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, संकट से जूझ रहे गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करते हुए खास घोषणा की है, जिसका फायदा देश के करीब 20 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। खातों में आएंगे 500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। सरकार की तरफ से जनधन योजना के तहत जिन महिलाओं का अकाउंट खोले हैं उन्हें 500 रुपए दिए जाएंगे। जनधन यानी ये धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगले 3 महीने तक ये कार्य जारी रहेगा। इतना ही नहीं, सरकार ने महिलाओं को और एक तोहफा दिया। उज्ज्वला योजना में उज्ज्वला योजना के तहत 8.5 करोड़ महिलाओं को अपने नाम पर गैस कनेक्शन दिए हैं। उन्हें अगले 3 महीने तक फ्री में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी प्रधानमंत्री योजना में 0 खाता है तो आपको भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर नहीं है तो अपना प्रधानमंत्री जनधन योजना में 0 खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत